श्री शिवाय नमस्तु। शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बह रहा है, समझ लेना जरा अच्छे से। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहां से जो भगवान के चरण जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब, उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा दिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा दिया जाता है, अपनी हाथ की सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तु इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है, और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है। कहकर दो दिन, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन, ज्यादा से ज्यादा पांच दिन, बस छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात करो शिव से, अपने दिल की बात करिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात बाबा से कहोगे, तो बाबा सुनेंगे, निश्चित है सुनेंगे। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए राजा, गोली दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा, मुख से। और वृक्ष मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से उसको, बताया है ना स्थान कि वृक्ष लगाना तो नाक से लगाना, गोली उठाना तो मुंडा से उठाना, और अगर कोई ऑर्डेक्स लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल लेना है, या बांह में तो ऊपर से मल लेना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणानंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल समझो फिर पहुंचते हैं, वो कौन सा, वो एक रेखी वाले होते हैं, सब कुछ मेथी दाना या लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लू मैं तो, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही है, इसीलिए करते हैं। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले बोलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पांव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ, सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं वहां पर हमारा मात्र स्पर्श करकर अपने दिल की बात कहने पर ही कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा।